IRCTC के द्वारा 15 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक 4 ज्योतिर्लिंग का 15,150 रुपए में स्वदेश दर्शन ट्रेन का संचालन किया जाएगा, जिसके संबंध में लखनऊ IRCTC के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक अजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि IRCTC द्वारा स्वदेश दर्शन ट्रेन के अंतर्गत 4 ज्योतिर्लिंग दर्शन यात्रा ट्रेन 15 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक संचालित किया जाएगा, जो कि 7 रात्रि 8 दिन का पैकेज है। इसका पैकेज मूल्य मात्र 15,150 रुपए है। इसके अंतर्गत ओमकारेश्वर, महाकालेश्वर, सोमनाथ एवं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, द्वारकाधीश मंदिर एवं भेट द्वारका के दर्शन कराए जाएंगे। इसके अतिरिक्त द्वारका स्थित शिवराजपुर बीच की भी सैर का मजा ले सकेंगे। इस ट्रेन में बैठने की सुविधा गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, संगम, लखनऊ एवं वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन से उपलब्ध है। इस पैकेज में यात्रा के दौरान नाश्ता, दोपहर एवं रात्रि का शाकाहारी भोजन, स्थानीय यात्रा बसों द्वारा तथा धर्मशालाओं में ठहरने की व्यवस्था सम्मिलित है। इसलिए कोई भी नागरिक EMI के माध्यम से भी 536 रुपए महीना पर भी अपने ATM कार्ड से बुक कर यात्रा कर सकता है। इसके अलावा इच्छुक व्यक्ति पर्यटन भवन गोमती नगर लखनऊ स्थित IRCTC कार्यालय से संपर्क कर एवं IRCTC की वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए लखनऊ IRCTC के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक अजीत कुमार सिन्हा ने कहा, भारत दर्शन की योजना जब तक चलती रही, अगर आपको ध्यान हो तो पार्क है वहाँ बनाया गया है और एक बीच भी फेमस वहाँ बनाया गया है, तो उसके भी दर्शन कराए जाएंगे और उसके बाद गाड़ी वहाँ से वापस लौटेगी। तो ये पूरी यात्रा जो है बेसिकली 7 रात्रि 8 दिनों की होगी। कॉस्टिंग को लेके जो पीछे सवाल चलते रहे थे, पहले हम लोगों ने भारत सरकार की योजना के तहत 900 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कीमत ली थी, जिसमें भारत दर्शन की जब योजना समाप्त हुई तो ये ओपन मार्केट में बेसिकली इस प्रोडक्ट को ऑफर किया गया कि पहले ये IRCTC का प्रेरोगेटिव था भारत दर्शन चलाने का, बाद में ये कहा गया कि भाई मार्केट में जो भी ऐसे फोर्सेस हैं उनको मौका मिलना चाहिए और वो स्वयं से मार्केट के रेस्पॉन्स को देखते हुए स्वदेश दर्शन या भारत गौरव ट्रेन के माध्यम से ऐसी यात्राएं आयोजित कर सकते हैं। तो आपको ध्यान होगा हाल ही में रामायण यात्रा भी चलाई गई थी, हालांकि यहाँ बोर्डिंग डिबोर्डिंग पॉइंट नहीं था लेकिन यहाँ ऑपरेटिंग स्टॉपेज रखा गया था उसका, और रामायण यात्रा आगे नवंबर में फिर से चलाई जा रही है। तो रामायण यात्रा जो है भारत गौरव ट्रेन पर आधारित है और अभी स्वदेश दर्शन यात्रा जो है भारत देखो अपना देश कार्यक्रम के तहत हम लोग इसकी शुरुआत कर रहे हैं। ये स्वदेश दर्शन योजना है बेसिकली देखो अपना देश मुहिम के तहत हम ज्योतिर्लिंग दर्शन कराने की योजना एक IRCTC ने बनाई है और इसमें एक ट्रेन यहाँ से चलाई जाएगी जिसमें 824 लोगों को यात्रा करने की सुविधा उससे मिलेगी और इसके तहत गोरखपुर से जो ये गाड़ी शुरू होगी इसमें वाराणसी होते हुए प्रयागराज, संगम होते हुए लखनऊ, फिर आगे कानपुर, झांसी तक बोर्डिंग डिबोर्डिंग की सुविधा होगी और इसके आगे ये ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर में दर्शन कराए जाएंगे और फिर हम गुजरात में सोमनाथ धाम पहुंचेंगे, वहां से द्वारकाधीश पहुंचेंगे और फिर ये वापस होंगे। तो बेसिकली 4 ज्योतिर्लिंग के साथ द्वारका दर्शन इस अभियान का हिस्सा होगा और इसमें खाने पीने की सुविधा हर यात्री को ऑन बोर्ड होगी क्योंकि पेंट्री कार के साथ ये गाड़ी चलेगी और जब ऑफ बोर्ड होंगे तो रुकने का इंतजाम, जितने मंदिर दर्शन है वहाँ घूमने जाने आने का इंतजाम, क्यों एक बार आप शुल्क अदायगी जब कर देंगे तो उसके बाद आप मुक्त हो जाएंगे। तो बेसिकली भारत दर्शन का जो कॉन्सेप्ट है उसके तहत इस योजना को लेके आया गया है और इसमें जो लो इनकम ग्रुप के लोग हैं, किसान हैं, इसमें जो टीचर हैं, सीनियर सिटीजन हैं, जो छोटे उद्यमी व्यवसायी हैं, इन सब लोगों के लिए एक मौका दिया गया है मास टूरिज्म का, इनफैक्ट कि ताकि वो भारत के दूसरे हिस्सों में जो रमणीक स्थल हैं और तीर्थ स्थल हैं उसका दर्शन कर सकें। और इसकी जो बेसिकली शुल्क रखी गई है, वैसे तो ये 15,000 रुपये का शुल्क है जिसमें 7 रात्रि 8 दिनों की यात्रा है, लेकिन इसकी अदायगी के लिए जो एक खास फैसिलिटी इसमें ऐड की गई है कि कोई व्यक्ति जो न्यूनतम शुल्क होगा वो 536 रुपये का
वो EMI पेमेंट के माध्यम से कर सकता है। इसमें बैंकों ने ये फैसिलिटी एक्सटेंड की है कि 3 साल तक EMI के माध्यम से आप इस पूरे शुल्क की अदायगी कर सकते हैं। तो www.irctctourism.com की साइट पे जब आप जाते हैं बुक करने के लिए और पेमेंट का ऑप्शन आपको मिलता है, वहाँ पे आप EMI की सुविधा अवेल कर सकते हैं। साथ ही जो नज़दीकी सेंटर है स्टेशन पे IRCTC का जो ऑफिस है, लखनऊ में जो IRCTC का ऑफिस है, या ऑनलाइन के माध्यम से आप कहीं अपने घर बैठे भी इस बुकिंग को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो बेसिकली इस योजना के माध्यम से हमने IRCTC ने कोशिश की है कि जो भी हमारे देश के लोग हैं जिनकी आकांक्षा है, सामाजिक सांस्कृतिक आकांक्षा है, कम से कम साल में एक बार भी ऐसे दर्शन का मौका मिले रेल के माध्यम से, उसको पूरा करने के लिए हम आपके बीच इस स्वदेश दर्शन योजना को लेके आए हैं। और ये अगले महीने 15 अक्टूबर से शुरू होकर 22 अक्टूबर तक के लिए चलेगी, जो ठीक दशहरे के बाद और दीपावली के बीच में जो वक्त आपको मिलेगा उसमें आपको ये घूमने का मौका दिया जाए। पर व्यक्ति है जी, प्रति व्यक्ति इसके चार्ज जो हैं वो 15,000 रुपये के आसपास हैं, और जब आप इंस्टॉलमेंट में इसको 36 महीनों तक पे करेंगे तो केवल 536 रुपये प्रति माह प्रति व्यक्ति पे कर सकते हैं। बच्चों को भी कुछ छूट दी जाएगी इसमें? जो रेलवे की शर्तें हैं टिकटिंग की, 5 साल से नीचे के जो बच्चे होते हैं उनकी टिकट नहीं लगती, लेकिन 5 साल से ऊपर के बच्चे चूँकि बर्थ आप लेंगे और बाकी फैसिलिटी अवेल करेंगे तो उसके लिए वो सेम टिकटिंग रेट।